बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज मैं आपके साथ आलू बैंगन अंडे की रेसिपी शेयर करूंगा। ये बहुत ही मज़ेदार की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों सबसे पहले बैंगन को काट लेंगे। दो बैंगन मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। आलू का छिलका उतार लेंगे। एक अदद मैंने आलू लिया है, आलू का छिलका उतार लिया है। अब इसे बारीक बारीक काट लेंगे। स्टोव को ऑन कर लेंगे। आलू और बैंगन पैन में शामिल कर देंगे। एक कप पानी हल्की आंच पर 10 मिनट तक कवर कर देंगे। ठीक 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर को काट लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। टमाटर का ये छिलका उतार लेंगे। बैंगन का ये वाला छिलका उतार लेंगे। आलू और बैंगन को मैश कर लेंगे। बैंगन और आलू को मैंने मैश कर लिया। तीन अंडे लिए मैंने। अब इसे घोल लेंगे। एक छोटी चमची नमक शामिल कर देंगे। आधा छोटी चमची इसी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च एक चुटकी, गरम मसाला दो चुटकी, हल्दी एक चुटकी, धनिया पाउडर दो चुटकी, अदरक का पाउडर दो चुटकी, हरी मिर्च एक, थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मैश किया हुआ बैंगन आलू इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तीन चम्मच ऑयल, ऑयल को ऐसे फैला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मिनट तक कवर कर देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों 1 मिनट तक पका लेंगे साइड चेंज करके। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, स्टोव को बंद कर देंगे। हमारा आलू बैंगन अंडा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। प्लेट में शामिल कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैंगन अंडा आलू हमारा बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही नरम है, आप देख सकते हैं। ये देखें आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।